पेरियार जी की जयंती है आज 144वीं जयंती की, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा किया गया है एक कार्यक्रम का आयोजन, और उसी कार्यक्रम के सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं। एवरीवन वेलकम टू सोशल डिज़ायर, मैं हूँ तुषार अड़कियाँ, आप देख रहे हैं सोशल डिज़ायर। और आज हम हैं नागपुर में, अभी फिलहाल कर रहे हैं स्नैक्स हल्दीराम में बैठकर। ये हल्दीराम का आउटलेट है, मेरे साथ में सिद्धि साहब महाराज देवरेकर, हम लोग आए हैं एक आरपीएम के एक। तो दोस्तों हम लोग निकल पड़े हैं रास्ते से, क्योंकि हम लोग अभी जा रहे हैं बजाज नगर करुणा भवन में, जहां पर कि आरबीएम के प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आप सभी देखते रहिए वीडियो में, जो साथी यहां पर नहीं पहुंच पाए उनके लिए ये वीडियो बन रहा है, तो आप भी जो है इसका मज़ा ले सकते हैं। आपको पता चलेगा कि किस तरह का आयोजन वहाँ पर किया गया है, सारी बातों को हम करेंगे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं और जा रहे हैं करुणा भवन की ओर। मेट्रो स्टेशन पे स्टेशन से रेलवे स्टेशन से निकलकर हम लोग जा रहे हैं करुणा भवन की ओर। तो जाते वक्त रास्ते में हम लोग जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, जो कि है कस्तूरचंद पार्क, वहां से मेट्रो में बैठेंगे। एस्केलेटर से ऊपर जाते हुए मेट्रो में, और मेट्रो में हम लोग पहुँचे हैं कस्तूरचंद पार्क के मेट्रो स्टेशन। यहाँ पर टिकट्स लेंगे और पहुँचेंगे राहटे कॉलोनी, जो कि दीक्षा भूमि वाला एरिया है, और वहाँ से थोड़े ही डिस्टेंस पर है बजाज नगर। जर्नी कंटिन्यू करते हैं। पहुंच गए हैं मेट्रो और मेट्रो की राह देख रहे हैं। मेट्रो आएगी 2 मिनट में, तो हम चलेंगे राहटे कॉलोनी स्टॉप। ये मेट्रो आ चुकी है। मंत्री का दर्जा प्राप्त था, आदर योग्य
माननीय धर्मपाल था जी, बहुत ही मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन, उनका स्वागत है। और बड़ी खुशी हो रही है इस मौके पर हमारे बीच में इंजीनियर किशोर बारवाटे साहब, जो पूरे देश में प्रशिक्षण देकर, ट्रेनिंग देकर हमारे उपासक उपासिकाओं को तैयार कर रहे हैं, मैं उनका भी दिल से उनका अभिनंदन, उनको स्वागत करता हूँ। मैं जाता हूँ जोरदार उनके भी होना चाहिए। हमारे बीच में बहुत ही महान व्यक्तित्व, बहुत सारे व्यक्ति, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष जी माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत नमोदय मैं करता हूँ। और अगर आप देखेंगे भारत के नक्शे 19वां बिंदु है कि जब वो विदाई होकर कनोवर नदी की ओर जाने लगे तो किरावट उनके पीछे चलने लगा, तो सिद्धार्थ राजकुमार ने देखा कि असाधारण किरावट मेरे पीछे क्यों आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि जिस वजह से मैंने इस सार्थ राज को छोड़ा है, विद्या धारण की है। अगर मेरे भाइयों बहनों आप चाहते हैं कि कलह न हो और आपस में मित्रता के आधार पर एक निर्णय हो, तो भगवत के आगे में आ रहा हूँ आपको जनमत बनाकर, और जो गलत निर्णय है, जो खूनी संघर्ष नहीं होना चाहिए, दो राष्ट्रों के बीच जन संघर्ष नहीं होना चाहिए, इसको मिटाकर आप मेरा समर्थन करें, तो ग्राम की बात को मान के चला जाता है। सिद्धार्थ राजकुमार उस समय युवा थे, तो हमारे युवाओं को भी किसी भी ऐसे संगठन, ऐसे विचारक, ऐसे व्यक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए जो हमें रक्तपात के लिए एजुकेशन करा है। हमारा एजुकेशन होना चाहिए तो डिसिप्लिन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे संसाधन है उनको अपनाना चाहिए। इसके लिए हमारे आचार्य जी और धरती जी बहुत सारी बातें आपको आज यहाँ से बताने जाएंगे, हमें उसको सुनना है, और जो भी बात में आपकी कोई रीच रहेंगी, कुछ सवाल रहेंगे, वो भी हमारे पार्टी की आप बात में आपको देंगे। और नागपुर के साथियों को अगर कोई धमकी बात बताए तो ये सूरज को दीपक बता दीजिए जैसा होता है, इसके संबंध में हम बहुत कुछ नागपुर के साथी जानते हैं, पूरा महाराष्ट्र जानता है, उनको कोई बुद्ध और धर्म नहीं पढ़ा सकता, वो पूरे विश्व को पढ़ाने की क्षमता रखते हैं, भारत को ही नहीं, लेकिन इसकी पहल हमको करना ही पड़ेगी, जहाँ चाहे वहाँ आए, हमने अभी चाहा नहीं है, जो भी हमने ज्ञान अर्जित किया उसकी पावचित व्यवस्था बनाकर हमारे तक सीमित रखा है। सामने आला में सामने इसके बारे में बहुत कुछ बोला है, इस पावचित व्यवस्था को ओपन करिए, इसके रेबर को फाड़िए, हमारे जिलों की गांठों को खोलिए, जो आपसी अनबन है उसको मिटाइए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। सारा गुरु होता है हमारे विचार मंडल में तो बहुत बढ़िया है, तत्व में 5 मिनट दिया था यही खराब खत्म हो जाएगा, इससे मैं इस लास्ट में पुराना चाहूँगा हमारे इतने जो म्यूजिक थे उनको ईश्वर पूर्व साथियों है वो अपना इस शिविर का उद्घाटन हुआ ये भी इसकी चाय करेंगे और संक्षिप्त में अपना 2 मिनट में बात करेंगे, उनके साथ में आपको पूरा उनका पैटर्न देना ही है, ईश्वर पूर्व साहब जी बहुत आनंद करता हूँ। शहर में ऐसे तो दूसरे शहरों में बुद्धिजीवी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जानकार लोग, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी भी नागपुर में हैं। गतिविधियों की हम बात करें जिसको आप चलवा कहते हैं, तो पूरे देश में जितने भी शहर होंगे उसमें सबसे ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर, तथागत को लेकर सबसे ज्यादा जो गतिविधियां हैं या आंदोलन है या जो भी कह लो कार्यक्रम है वो सबसे ज्यादा नागपुर शहर में होते हैं। लेकिन इस नागपुर ने पूरे भारत का और पूरे दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए ऐसी बात दिखाई नहीं देती है। हम अपील जरूर करते हैं कि लोगों के सामने आना चाहिए, हम अपील जरूर करते हैं कि युवाओं के सामने आना चाहिए, लेकिन
उसकी कार्य योजना क्या होनी चाहिए जिसके आधार पर युवा सामने आकर कार्य करे। दूसरे धर्मों में हम देखते हैं कि युवा राजनीति को या समाज से भी ज्यादा धर्म को महत्व देते हैं, लेकिन हम बौद्ध धर्म में ऐसी परिस्थिति देखते हैं कि यहाँ पर युवा अभी अपने समाज, परिवार, राजनीति, नौकरी, व्यवसाय इसको ज्यादा महत्व देता है, लेकिन अपने धर्म को ज्यादा महत्व नहीं देता है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास इसके लिए कोई कार्य योजना नहीं है। मैं विद्वान हूँ, मैं अच्छा भाषण करके चले जाऊंगा, मैं अपील करके चला जाऊंगा कि युवाओं को सामने आना चाहिए, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई कार्य योजना नहीं है जिसके आधार पर युवा आकर समाज को लीड करे या समाज को दिशा निर्देश करने के लिए या समाज का नेतृत्व करने के लिए या समाज को अपने पीछे चलने के लिए बाध्य करने के लिए हमारे पास में ऐसी अभी कोई कार्य योजना नहीं। संगठन पे संगठन बनते जाते हैं, संगठन पे संगठन बनते जाते हैं, गिनती नहीं हुई है, लेकिन कम से कम पूरे देश में बाबा साहब के नाम को लेकर या तथागत के नाम को लेकर या बहुजन समाज के जो महापुरुष है उनके नाम को लेकर या बहुजन विचारधारा को लेकर कम से कम 50,000 संगठन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ये कार्यक्रम हो रहा है, इसी नागपुर में अभी दूसरी संस्थाओं में भी एक दो कार्यक्रम चल रहे होंगे, बुद्ध विहार में अलग कार्यक्रम चल रहे होंगे और सभी जगह इसी तरह की भाषणबाजी चल रही है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी ये हो रहा है कि हर संगठन के पदाधिकारी, हर संगठन के नेता लोग आकर भाषण करते हैं और भाषण में मुख्य बात क्या रहती है, मुख्य बात रहती है ब्लैकमेलिंग की। क्या ब्लैकमेलिंग चलती है कि संविधान खतरे में है इसलिए हमारे साथ जुड़ जाओ, लोकतंत्र खतरे में है इसीलिए हमारे साथ जुड़ जाओ। हर संगठन किसी तरह से, जैसे डॉक्टर होता है ना, एक वकील होता है, तो वो जो वास्तविकता है वो तो होती है, लेकिन वो डराता भी जाता है ताकि उस आधार पे उसकी फीस उसको बेहतर तरीके से मिल सके। तो हमारे ये जो 50,000 संगठन है उसमें भी इसी तरह की पॉलिसी चल रही है कि देखो हमारे साथ काम नहीं जुड़ेंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, देखो आप हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और पदाधिकारी कितने हैं, 15 पदाधिकारी हैं। जनता कितनी जुड़ी हुई है, तो अधिक से अधिक 1,000 जुड़ी हुई है, लेकिन उनको इसी बात का गर्व है कि हमारी संस्था देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था है। उनके पास में कोई कार्य योजना नहीं है कि समाज उनको फॉलो कैसे करेगा, युवा सामने कैसे आएगा, हम लोकतंत्र को यदि बचाएंगे तो किस आधार पर बचा सकते हैं, संविधान को बचाएंगे तो किस आधार पर बचा सकते हैं, क्या कार्य हमको करना होगा, कोई कार्य प्रणाली उनके पास नहीं है, कोई कार्य योजना उनके पास नहीं। विद्वता पूरी है, विद्वता इतनी है कि 10 दिन तक के भी आप भाषण करने के लिए कहेंगे तो वो पूरा का पूरा मकान कर देंगे। 1916 से लेके 1891 से लेके 6 दिसंबर 1956 तक का पूरा क्रोन राज्य जितनी भी है वो पूरी की पूरी मुखात्र है, लटकी हुई है कि 1916 में बाबा साहब ने क्या कहा था, 1920 में क्या किया था, 1925 में क्या किया था, 1927 में क्या किया था, 1930 में क्या किया था, 1925 पूरा ले देके 6 दिसंबर तक के कहानी पूरी चलते रहेगी चलते रहेगी। लेखन गले हुए क्यों है और उसका अल्टरमेटिव क्या है, उसका उत्तर क्या है कि आखिर हम मुकाबला करेंगे तो किस आधार पर मुकाबला करेंगे, लोकतंत्र हम बचाएंगे तो किस आधार पर बचाएंगे, क्या लोकतंत्र की यदि हम बात करते हैं तो हमारी संस्था में लोकतंत्र है ताकि हम समाज को ये बता सके कि लोकतंत्र ये होता है। संविधान यदि हम बचाना चाहते हैं तो क्या हम संविधान के आधार पर हमारी संस्था चल रही है, क्या हमारे सारे पदाधिकारी, क्या हमारे सारे कार्यकर्ता इस संविधान को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है उसको मानते हैं, उसके आधार पर चलते हैं। तो ये जब बातें आती है तो उसके मामले में हम देते हैं, संविधान के बखान के मामले में बहुत एक्सपर्ट है, संविधान के जितने अनुच्छेद हैं, जितनी धाराएं हैं, हम बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन क्या हम उसको फॉलो करते हैं, क्या हम उसका अनुसरण करते हैं, क्या हम अपने जीवन में उसका पालन करते हैं, क्या हम अपनी संस्था में उसका पालन करते हैं। तो जब ऐसी परीक्षा होती है
तो वहां पर हम जीरो हो जाते हैं। लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो क्या हम अपनी संस्थाओं में लोकतंत्र का पालन करते हैं? तो जब हम ऐसी चीजों का परीक्षण करते हैं, जब उसका वैल्यूएशन करते हैं, तो हम ये बातें हैं कि उस मामले में हम नगण्य हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब किसी चीज की परीक्षा होती है तो परीक्षा 100% होना चाहिए, उसमें झूठ नहीं चल सकती है कि आप कहेंगे साहब थोड़ा सा तो चलता है, थोड़ा सा तो चलता है, ये थोड़ा सा ही जो है आपको खत्म कर देता है। तो इस आधार के जिनसे आप डरे हुए हैं या जिनकी बातों को लेकर समाज में डराते हैं, रात और दिन चल रहा है संविधान बांटो, संविधान आप घर घर में भी रख देंगे तो उससे क्या होगा? संविधान को मैं जानते जाऊंगा कि संविधान में ये लिखा हुआ है तो उससे फर्क क्या होगा? जो लोग इसको खत्म करना चाहते हैं उनकी पॉलिसी क्या है, उनकी रणनीति क्या है, उन्होंने देश को किस तरह से कंट्रोल किया हुआ है, देश में किस तरह से उन्होंने युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है, उनकी कार्य योजना क्या है, उनकी कार्य प्रणाली क्या है? जब तक हम इस पर शोध नहीं करेंगे, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, जब तक हम इस पर विचार विमर्श नहीं करेंगे और हम ऐसी कोई कार्य योजना नहीं बनाएंगे कि जिस आधार पर जो भी संविधान की रक्षा करने की चाहत रखते हैं, जो भी लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, ऐसे युवा फिर समाज को लीड करने के लिए, समाज का नेतृत्व करने के लिए, समाज का मार्गदर्शन करने के लिए अपने पेट से भी ज्यादा महत्व देंगे, अपने परिवार से भी ज्यादा महत्व देंगे, अपने रोजी रोटी से भी ज्यादा महत्व देंगे और इस दिशा में आएंगे। केवल अपील करने से कोई नहीं आएगा। हम कहेंगे कि लड़कों को, युवाओं को इस कार्य के लिए सामने आना चाहिए, ऐसा कहने से ही कभी युवा जो है वो सामने नहीं आएंगे, क्योंकि माता पिता जो हैं बचपन से ही बच्चों में जो संस्कार डालते हैं या उन्हें मीठा जहर बोलते हैं, वो मीठा जहर क्या है? तो मीठा जहर ये है कि बेटा पढ़ाई खूब करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो ये जो बच्चों ने ठान लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, खूब पैसे कमाना है, उस वजह से बच्चे जिस तरीके से तैयार होते हैं या बच्चों में जो भावना प्रवाहित होती है कि हमें केवल नाम कमाना है, डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, तो धर्म जो है, समाज जो है, ये उनके लिए दोयम दर्जे की चीज है, ये इसकी उनके लिए प्राथमिकता पर उसको लेते नहीं है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बारे में अभी जैसे हम चर्चा आगे करेंगे तो हम ये बताना चाहते हैं कि केवल ये भाषणबाजी के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का निर्माण नहीं हुआ है। इसमें जो है युवाओं को किस तरीके से सामने लाकर संविधान की रक्षा करने की कहे हम या लोकतंत्र की रक्षा करने की कहे हैं कि वो अपने पेट से, परिवार से भी ज्यादा अपने इन क्षेत्र को ज्यादा महत्व दे, कार्य योजना लेकर माननीय धर्मराम भारती जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस कार्य को अंजाम दे रही है। तो उसके कुछ मात्रा में रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं और किस तरीके से वो कार्य योजना बनाई गई है, किस तरह की कार्य प्रणाली विकसित की जा रही है, ये अभी आपको चाय के बाद में देखने के लिए मिलेगी। चाय का वक्त हो गया है तो आप अनुशासित तरीके से चाय लेंगे और इसका कोशिश करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा इसमें समय खर्च ना करें या बाहर निकल कर अपना समय व्यर्थ ना गवाएं ताकि हम समय का सदुपयोग कर सकें। जिनके हम 144वीं जन्म जयंती आज मना रहे हैं, पूज्य रामास्वामी नायकर हरिहर साहब, बहुजन समाज में जन्मे सभी हमारे संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज के इस एक दिवसीय युवा थम प्रशिक्षण शिविर में हमारे अध्यक्ष आदरणीय शेषावे साहब, हमारे मुख्य प्रशिक्षक आदरणीय इंजीनियर केशव पौल साहब, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह पौल साहब और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों से हमारे जो
केंद्र के पदाधिकारी प्रदेशों के अध्यक्ष यहाँ आए हैं, मैं उन सभी को सम्मान के साथ नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। और नागपुर की इस पवित्र भूमि पर, दीक्षा भूमि के पास हमारे आज के इस सभागार में आदरणीय हमारे उपासक भाई, आदरणीय उपासनाएं हमारी बहन, मैं सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। जैसा हमारे आदरणीय इंजीनियर विश्व बौद्ध साहब ने, जो हमारे राष्ट्रीय आचार्य हैं, उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग देश में क्या करना चाहते हैं, क्या परिवर्तन, क्या बदलाव हमें लाने की जरूरत है। देखिए, हम दो बातों पे बहुत बड़ा हम लोगों ने चिंतन किया है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में पूर्ण लोकतांत्रिक सिस्टम है, कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, सभी व्यक्ति जो सीनियर हैं, जो हमारी पार्लियामेंट बोर्ड है, हम लोग आपस में विचार विमर्श करने के बाद किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। यह हमारा सबसे पहला हम लोगों ने तय किया है। दूसरा, हमने देखा कि हमारे जो पूर्व में संगठन रहे हैं, हमसे सीनियर हैं, हमसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं, बहुत ज्ञानवान लोग हैं, लेकिन प्राय हमने देखा कि हम सफलता की ओर नहीं बढ़ पाए, हम कामयाब नहीं हो पाए। तो हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? जब हमने इसका कारण खोजा तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो हमारे प्रतिभाशाली युवा होते हैं, उनको उनकी प्रतिभा का, उनकी युवा अवस्था का, उनकी योग्यता का हम समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, मिशन के हित में जितना हमें उनका उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कोई व्यक्ति एक बार अध्यक्ष बन गया किसी संस्था का, वो अध्यक्ष बनने के बाद चाहे वो संस्था को समय देता है या नहीं देता है, या वो संस्था के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है, या उसकी उम्र 80 वर्ष की हो गई, बीपी, शुगर, हार्ट, पता नहीं कितनी बीमारियां भी उसको आ गई है, लेकिन वो अध्यक्ष पद छोड़ना नहीं चाहता, वो अध्यक्ष पद छोड़ना नहीं चाहता। और इससे होता क्या है कि जिनमें ऊर्जा है काम करने की, जो युवा पीढ़ी में चाहत है काम करने की, वो निराश हो जाते और उनको लगता है कि भाई हमको, हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमको फ्रंट लाइन पे आने का मौका ही नहीं मिलता, पीछे पीछे बस खड़े रहो, सालों पीछे पीछे खड़े रहो। तो हमने जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संविधान बनाया, अभी संक्षिप्त बनाया है, विस्तार रूप से हमने उसकी कमेटी बना दी है, 10 लोगों की, 12 लोगों की, जो उसमें एक एक बिंदु पे काम कर रही है। तो जो पहले हमने बनाया उसमें हमने जो खास बात हमने रखी कि एक व्यक्ति संस्था में अधिकतम दो बार अध्यक्ष रह सकता है, दो बार से ज्यादा अध्यक्ष नहीं रह सकता है, चाहे जितना योगदान हो, चाहे जितनी बुद्धिमा हो, चाहे जितना त्याग तपस्या हो, लेकिन इस सब के बाद हम उनका दूसरी जगह तो उपयोग कर सकते हैं, हम उनका दूसरा इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष पद पे केवल और केवल एक व्यक्ति दो बार से अधिक नहीं रह सकता है। तो इससे लोकतंत्र की नींव मजबूत होती है, इससे डेमोक्रेटिक सिस्टम मजबूत होता है। और उदाहरण के लिए हमने अपने साथियों को जब ये नियम रखे और तमाम साथियों ने इस पर प्रश्न खड़े किए, तो हमने कहा दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश कौन है? तो लोगों ने कहा साहब अमरीका।
अमेरिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है, तो मैंने उनको कहा अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति कोई व्यक्ति अमेरिका में दो बार से ज्यादा राष्ट्रपति बन सकता है? बोले नहीं बन सकता साहब। तो जब अमेरिका जैसा सशक्त मजबूत राष्ट्र वहां का कानून है कि एक व्यक्ति दो बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता, इसके बाद भी वो अगर इतना ताकतवर है, इतना मजबूत है, तो हम अंबेडकर बाबा साहब को मानने वाले लोग, बुद्ध फूले साहू संत कबीर रविदास को मानने वाले लोग अपनी संस्था को क्यों ऐसे सिस्टम से आगे नहीं बढ़ा सकते, बढ़ा सकते? तो इससे एक बात ये क्लियर हो जाती है कि जो अध्यक्ष रहे हैं उनको भी ये कहने का मौका मिलता है, अगर उनको कोई कहता है कि बाबू जी आपका काम तो बहुत अच्छा था, आप तो बड़ी मेहनत करते थे, आप तो संस्था को कहां से कहां तक ले गए, लेकिन आप फिर अध्यक्ष नहीं रहे, तो वो हमारे बाबू जी भी बड़े सम्मान के साथ कहेंगे कि मैं जिस संस्था का सदस्य हूँ, मैं जिस संस्था का अध्यक्ष रहा, उस संस्था का ये नियम है कि दो बार से ज्यादा अध्यक्ष बेटा बन ही नहीं सकता। तो मैं इसके लिए था कि मैं नकारा था, या मैं इसलिए नहीं था कि मैं काम नहीं करता था, योग्य नहीं था, बल्कि मेरी संस्था का ये नियम है। तो आदर सम्मान के साथ उनको भी ये बात कहने का मौका मिलेगा, और हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको भी ये लगेगा कि भाई बाबूजी का समय पूरा होने वाला है, कम से कम हमको भी इस पोस्ट पर आकर, इस स्थान पर आकर हमको भी अपनी ऊर्जा का, अपनी योग्यता का सही समाज के हित में इस्तेमाल करने का अवसर प्रदान होगा। तो इस तरह से राष्ट्रीय महासभा की स्थापना के समय ये मूल बातें तय की गई है। दूसरी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ये देखा कि भाई बुद्ध का धम्म भारत में कामयाब होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता। दो सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं, एक सवाल कामयाब होता नहीं है या कामयाब होने नहीं दिया जाता है। तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बुद्ध के धम्म को भारत में कामयाब नहीं होने दिया जाता है। अब कामयाब नहीं होने दिया जाता है तो ये कौन व्यक्ति है, ये कौन व्यक्ति है, कौन लोग हैं जो बुद्ध के धम्म को भारत में कामयाब नहीं होने देते हैं? तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो जो लोग हैं वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, लेकिन आज वो लोग नहीं है, आज वो व्यक्ति या वर्ग नहीं है, आज वो एक संगठन है, एक बड़ा संगठन है, और वो है आरएसएस। आरएसएस इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध के कारवां को, उनकी वैचारिक आंदोलन को कामयाब नहीं होने देता है। और क्यों कामयाब नहीं होने देता है? क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था बनाए रखना चाहता है, वो अंधविश्वास बनाए रखना चाहता है, वो सीढ़ी नुमा ऊंच नीच का दीवारें हमेशा बनाए रखना चाहता है। अगर उसको ये वर्ण व्यवस्था बनाए रखनी है और मानव में सबसे श्रेष्ठ अपने आप को बनाए रखना है, तो उसके हित में ब्राह्मणवादी व्यवस्था का बना रहना ही उसके हित में है। लेकिन ये देश के लगभग 85% लोग जो मानवतावादी हैं, उनके हित में इस व्यवस्था का बना रहना नहीं है। तो अब देखना यह है कि जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाए रखना चाहता है, वह संगठन वर्ष के 365 दिन में कितने दिन काम करता है, कितने दिन काम करता है। हमने इसका जब अध्ययन किया और चिंतन किया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि वो 365 दिन काम करता है, 365 दिन काम करता है। और हम क्यों सफल नहीं हुए, हम क्यों कामयाब नहीं हुए, क्योंकि हम वर्ष के 365 दिन में से मात्र ज्यादा से ज्यादा 15 दिन काम करते हैं। अम्बेडकर जयंती, बुद्ध जयंती 6 दिसंबर, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, इससे ज्यादा हम काम
करते ही नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध जी ने हमने बाबूजी हमारे समय लिए उनकी उम्र ज्यादा हो गई है रामकिशन अशोका एडवोकेट साहब है हम लोगों ने यह तय किया हमने ये तय किया कि हमको बुद्ध के तमु को भारत में अगर कामयाब करना है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संकल्प को पूरा करना है तो हमें भी संकल्प लेना होगा कि हम भी वर्ष के 365 दिन काम करेंगे 365 दिन हम लोग काम करेंगे कभी हम वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने वाले लोगों से मुकाबला कर सकते हैं तभी हम उनको पराजित कर सकते हैं तो इसके साथ आप देखते होंगे कि हम लोग जूम पर एक पर्चा आपको बांटा गया है उस पर्चे में जूम की आईडी कार्यक्रम लिखे हैं हम एक सप्ताह में 3 दिन तो जूम पे काम करते हैं हर सोमवार को शाम को 8 बजे से 9 बजे तक संविधान का वाचन होता है हमारे कानपुर के प्रोफेसर हैं लॉ के प्रोफेसर हैं वो बच्चों को लॉ पढ़ाते हैं वो संविधान का 1 घंटे अनुच्छेद बताते हैं मीनिंग बताते हैं कब कब लोकसभा में राज्यसभा में संशोधन आए उसका बताते हैं कब कब सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने उसमें अपनी गाइडलाइन दी वो बताते हैं विस्तार से संविधान की जानकारी हम लोग पढ़ाते हैं और ये पिछले 5 वर्षों से कंटिन्यू है इसी तरह बुधवार को सुबह 7 बजे से 8 बजे 1 घंटे हम बुद्धों का धम्म जो ग्रंथ बाबा साहब ने हमको दिया है हम उसका वाचन करते हैं उसको पढ़ाते भी 5वीं बार चल रहा है 5वीं बार वो पढ़ा जा रहा है और इसी तरह से प्रत्येक रविवार को 9 बजे से हम लोग देश में सामान्य चर्चा संगठन की चर्चा अन्य विषयों की चर्चाओं पर चर्चा करते हैं और इसके साथ साथ जब जब हमारे महापुरुषों की जन्म जयंती होती है या स्मृति दिवस होता है तब सभी संत गुरु जितने संत गुरु हुए हैं हम उनके जीवन पे चर्चा करते हैं विशेष अवसरों पर भी कभी महिलाओं का सेशन चलता है कभी युवाओं का सेशन चलता है कभी धर्म सेवकों का सेशन चलता है और आज आज हम लोग नागपुर में बैठे हैं मैं आपको यही के साथ कह रहा हूँ पूरे देश में कम से कम 50 स्थानों से ज्यादा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बैठकें और मीटिंगें चल रही है तो हम इस आंदोलन को सिस्टम पे लाना चाहते हैं जब तक हम सिस्टम पे नहीं काम करेंगे हम बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा को सिस्टम में नहीं लाएंगे अपने संस्कारों में नहीं लाएंगे तब तक हम ब्राह्मणवादी लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं हम पूंजीवादी लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं इससे हमें मुकाबला करना है और आगे निकलना है सही मायने में संविधान और लोकतंत्र को इस देश में कायम करना है तो हमको वर्ष के 365 दिन भी काम करना पड़ेगा अंत में एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं मैं जो हमारा हमको लगता है किसी व्यक्ति से कि भाई ये ज्यादा काम नहीं कर पाएगा हम चाहे जितनी कोशिश करें ये हमारे एक घंटा भी हमको नहीं देगा आधा घंटा भी नहीं देगा तो मैं उसको क्या बोलता हूँ मैं उसको बोलता हूँ हाथ जोड़कर कहता हूँ भैया एक निवेदन कर लू आप मान लेंगे वो कहता है हसत बोलिए बोलो तो सही मैं कहता हूँ शाम को खाना खाने के बाद आप सोते हो यह सब सोता हूँ तो सोने से पहले आंखें बंद करके सिर्फ पांच मिनट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीवन संघर्ष याद कर लेना बाबा साहब का जीवन संघर्ष याद कर लेना जो उस महान व्यक्ति ने हमारे लिए अपनी चार औलादों को कुर्बान कर दिया इतना फर्क कर देना यही बहुत बड़ा एहसान आपका समाज के ऊपर हो जाएगा ये निकम्मे से निकम्मे आदमी को भी मैं इतनी अपील करता हूँ एक बार मेरे साथी ने कहा साथ से ये 5 मिनट अगर वो सोते समय सोच भी लेगा चिंतन मनन कर भी लेगा तो क्या फायदा होने वाला है मैंने कहा कम से कम एक उम्मीद है कि 6 महीने भी कंटिन्यू इसने ये काम कर लिया तो एक दिन इसका जमीन एक दिन इसका मन इसको आवाज देगा फुट खड़ा हो जा और टूबी अम्बेडकर के आंदोलन का सिपाही बनकर लाइन में लगे
ज्ञान मिला, कम से कम इसके जुड़ी को और इसकी आत्मा को ये एहसास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमो बुद्धाय। जय हिंद। अपने श्रम क्षेत्र अपनी बात रखी है, चाहे तो अपनी बढ़ी जा रही है, फिर भी अभी इस सत्र का इस उद्घाटन सत्र का समारोह तो है, आभार सदस्य से किया जाना चाहिए। हमारे हमने देखिए थोड़ा हमारे कार्यक्रम अभी कैंप खत्म होने के बाद में, कार्यक्रम के समापन होने के बाद में हम लोग अभी पहुंचे हैं अजनी रेलवे स्टेशन और यहाँ पर पी रहे हैं चाय। यहाँ पर आइए हमारी ट्रेन और उस ट्रेन से चलेंगे हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे और इस तरह होगा ब्लॉग का समापन। तो काफ़ी अच्छा रहा प्रोग्राम, काफ़ी मतलब पूरा पैक था और इस तरह से कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। पूरा महाराष्ट्र से लोग आए हुए थे और एमपी से आए थे, गुजरात से आए थे, ऐसे सब जगह से लोग आए थे। और अभी हम लोग अभी चाय की कुश्ती ले लेते हैं। बहुत अच्छा चाय है, चाय पीते हैं और हम लोग चलते हैं अपनी जर्नी में आगे।